2 फरवरी 1968 का दूसरा केस मध्यांत में बात चल रही थी। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते, नाम क्या है? क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, सिख लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उनका देश है, ये काल है। जैसे सिखों से पूछा जाए कि सदगुरु भगवान का क्या देश है, कौन सा काल है, तो कौन सा काल बता देंगे? आज से लगभग 500 साल पहले गुरु नानक जी आए और उन्होंने द्वारा अकाल मूर्त का पाठ चला। ऐसे ऐसे अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन वास्तव में अलग अलग रूप तो हो नहीं सकता। भगवान एक है तो भगवान का रूप भी एक ही मुकर्रर रूप होगा, एक ही देश होगा, एक ही काल होगा, मूल रूप में एक होगा और सामान्य रूप से अलग हो सकता है। सामान्य सृष्टि की कल्याण के लिए तो मूल रूप में तो हमें बेसिक नॉलेज में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। क्या नाम क्या है? भगवान है तो सारी शक्ति का कल्याण करेगा या एक दो चार का करेगा, करोड़ों दो करोड़ों का करेगा? जैसे बौद्ध लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध को भगवान, तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स तो दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है। क्राइस्ट के फॉलोअर्स फिर भी 100-200 करोड़ है, तो क्या 100-200 का ही कल्याण करेगा? भगवान होगा तो सारी शक्ति का कल्याण करेगा या थोड़ों को कल्याण करेगा? सारी शक्ति का कल्याण करेगा। इसलिए उसका नाम भी वैसा ही है, शिव नाम है शिव, क्योंकि सारी शक्ति का कल्याण करता है। शिव माना ही कल्याणकारी है। और रूप क्या है? उसका रूप वो है जो हम आत्माओं का रूप, हम आत्माओं का रूप है। ज्योति बिंदु बिंदी लगाते हैं ना, इसकी याद में बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ये टीका यहाँ क्यों लगाते हैं? आत्मा यहाँ टिकी हुई, उसकी यादगार में टीका लगाते हैं। आत्मा का रूप शास्त्र में भी बताया, अणुमणिया समन स्वय अणुरूप है, अति सूक्ष्म है। तो जैसे आत्मा का रूप है, आत्मा का परमात्मा का भी रूप है। ये बेसिकली बात है तो बताइए, लेकिन जब कार्य की बात आती है, नाम क्या है, रूप क्या है और क्या करता है, तो सब गड़बड़ा जाते हैं। क्या करते जाते हैं तो वो भी बताया, तो वो शक्ति पर वो काम आकर के करता है जो दुनिया में कोई ने नहीं किया है। क्या काम करता है? न इब्राहिम ने किया वो काम, न बुद्ध ने किया, न क्राइस्ट ने किया, न गुरु नानक ने किया, न विवेकानंद ने किया। जो काम भगवान आके करता है वो किसी ने नहीं किया। क्या काम नहीं किया? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाकर जाना, ये एक भगवान का ही काम है। ये कोई भी धर्म पिता ने ये काम नहीं किया। और वो भगवान धर्म पिता तो है, लेकिन ऐसे धर्म की स्थापना करके जाता है जो धर्म सारी सृष्टि के जितने भी धर्म हैं उन सब में ज्यादा सुख देने वाला। कौन सा धर्म है? देवता धर्म। देवताओं से ज्यादा सुख देने वाला तो, भोगने वाला तो कोई और दुनिया में होता ही नहीं। कर देवता सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। तो बोला
कि नाम रूप देश काल कार्य ये सब बेसिक नॉलेज में तो बताए, लेकिन जो एडवांस नॉलेज है भगवान आके विशेष नॉलेज देता है उसमें ये भी बताता है कि नाम शिव है वो तो एक सामान्य बात होगी, क्या कल्याणकारी है। अब कल्याणकारी तो सभी आदमी हो सकती है, नंबर वन परसेंटेज में तो सभी एक दूसरे के कल्याण, अपने बच्चों को कौन नहीं कल्याण करता है, टीचर है अपने स्टूडेंट्स का कल्याण करता है कि नहीं करता है। तो ये कल्याणकारी होना एक साधारण बात, लेकिन भगवान जो कल्याण करता है वो सारी मनुष्य शक्ति की, मनुष्य मात्र का और सभी आत्मा मात्र का कल्याण करके जाता है। कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, इतना ही नहीं सिर्फ चैतन्य आत्माओं का ही कल्याण नहीं करता है, ये सृष्टि के जो भी पांच तत्व हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनका भी कल्याण करता है।